रही बात ये कि कंसंट्रेशन नहीं बनती है, तो कंसंट्रेशन क्यों नहीं बनती है, इसके दो तीन कारण होते हैं। कंसंट्रेशन ना बनने की एक वजह है कि आपकी रुचि नहीं आ रही है उस चीज में। जैसे मैं ऐसे बहुत बच्चों से मिलता हूँ, बोलते हैं कि हमारा ध्यान कमजोर है, हमारी कंसंट्रेशन पावर ही कमजोर है, हम कंसंट्रेट कर नहीं पाते हैं। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि कुछ खेलते वेलते हो कि नहीं, तो सब खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, वीडियो गेम भी खेलते हैं। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि वीडियो गेम खेलते समय कंसंट्रेशन कैसी रहती है, पबजी खेलते समय जब हत्याएं करते हैं सामने कई लोगों की, उस समय कंसंट्रेशन कैसी रहती है, तो उस समय उनकी कंसंट्रेशन जबरदस्त रहती है, मतलब दशमलव में भी ध्यान भंग नहीं होता उस समय। क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, सामने बॉलर आ रहा है बॉल लेके, एक सेकंड को भी ध्यान भंग नहीं होता, अच्छे से ध्यान लगा रहता है, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी, सब में ध्यान लगा रहता है, बस पढ़ाई में नहीं लगता है। अगर आपका ध्यान हर जगह ठीक से लग रहा है, पढ़ाई में ही नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन पावर की कमी नहीं है। आपकी कंसंट्रेशन पढ़ाई में इसलिए बन रही क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं, आपको उसमें रुचि नहीं आ रही है। तो अगर दिक्कत रुचि की है तो दो समाधान है। पहला, पहले वो सेगमेंट्स पढ़िए जिनमें रुचि बनती है, जैसे संविधान में रुचि आमतौर पर लोगों की बन जाती है, सोसाइटी में बन जाती है, तो पहले वो विषय पढ़ लीजिए जिसमें रुचि बनती है। और दूसरा तरीका यह है कि विषय को बदल बदल के पढ़िए, कि 2 घंटा एक विषय पढ़ा, फिर 2 घंटे में विषय चेंज कर लीजिए, फिर 2 घंटे में विषय चेंज कर लीजिए, तो रुचि बनी रहेगी। दूसरा, कंसंट्रेशन भंग होती है इसलिए क्योंकि आप खुद को मशीन की तरह इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अगर कोई आपके आसपास आपसे ये कहे कि मैं तो 6 घंटे रात भर पढ़ता रहा इतनी कंसंट्रेशन से कि 1 सेकंड को हिला भी नहीं, तो ये सब बेकार की बातें हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, कुछ देवताओं को छोड़ दें तो मनुष्य योनि में ऐसा आमतौर पर नहीं होता है, देव योनि की बातें, देवता लोग ऐसा करते होंगे। कुछ लोग आपसे ये भी कहेंगे कि मैं तो इतना ध्यान से पढ़ रहा था, पड़ोस से बारात गुजर गई पता भी नहीं चला मुझे, तो पड़ोस में ढोल नगाड़े बज रहे थे पता भी नहीं चला, मैं तो इतना ध्यान से पढ़ रहा था ध्यान में नहीं आया। कुछ तो और 30 मार खा होते हैं कि रात को मैं इतना ध्यान से पढ़ रहा था कि लाइट चली गई तब भी नहीं पता चला मुझे, तो इतनी गहराई से पढ़ रहा था। ऐसे मूर्खों की बातों में नहीं आना है, ये सब बेकार की बातें हैं। सामान्य नियम यह है कि कंसंट्रेशन 50 मिनट से ऊपर किसी का नहीं रहता है अगर गहराई से पढ़ रहे हैं। हर 50 मिनट, हर 55 मिनट, हर 1 घंटे के बाद ब्रेक जरूर लीजिए। 1 घंटा पढ़िए, ब्रेक लीजिए। जैसे मैं तो, मेरी कंसंट्रेशन ठीक ठाक है, बहुत बुरी नहीं है, मेरी मेमोरी भी ठीक ठाक है, बुरी नहीं है। मैं आज भी पढ़ता हूँ, आपको मतलब मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि मैं आज भी लगभग आप सबसे ज्यादा ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं जिस दिन 8-9 घंटे ना पढ़ लूँ तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा दिन खराब हो गया। मुझे पढ़ने का इतना शौक है, मुझे एग्जाम नहीं देना है, मुझे पढ़ने का शौक है इसलिए पढ़ता हूँ। मुझे आज तक याद नहीं है कि मैंने कभी आधा घंटा भी लगातार पढ़ाई की। डूब के पढ़ता हूँ, लेकिन जैसे ही आधा घंटा खत्म होता है मुझे ब्रेक चाहिए, कम से कम 2 मिनट का। ब्रेक का मतलब क्या, उठ गए, पानी पी लिया, ऐसे ही घर में कोई बच्चा है तो उसी को थोड़ा छेड़ लिया, थोड़ा चोटी काट दी उसको, थोड़ा मजाक कर लिया, कुछ कर लिया, और कुछ नहीं तो फोन में एक वीडियो गेम खेल ली। मैं भी एक वीडियो गेम सिंपल से खेलता रहता हूँ जिससे मेरा टाइम वो 2 मिनट में खत्म हो जाती है। वो पूल एक गेम होती है, वो खेलता हूँ। तो हर आधे एक घंटे में एक वीडियो गेम खेल ली 2 मिनट की, या किसी को परेशान कर लिया, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया, या पानी ही पी लिया कम से कम उठ के एक बार, इतना होते ही दिमाग फ्रेश हो जाता है, फिर आप उसी कंसंट्रेशन के लेवल पे फिर से पढ़ पाते हैं। तो आप में से जो 6 घंटे लगातार पढ़ते हैं, वो दरअसल पढ़ते नहीं है, केवल टाइम गुजार रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। 1 घंटा मैक्सिमम पढ़िए, विषय बदल बदल के पढ़िए, बीच बीच में हंसी मजाक करते रहिए, और कुछ नहीं, व्हाट्सएप का एक आध मैसेज बीच में देख लीजिए आधे पौने घंटे बाद, तो पढ़ाई ठीक से होगी। कंसंट्रेशन कमजोर होने की तीसरी वजह यह होती है कि आप किसी उधेड़बुन में है, कोई स्ट्रेस है, आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन चिंता है कि मैसेज क्यों नहीं आया उसका, अब तक आ जाना चाहिए था, चिंता ये उस समय हो रही है, या चिंता ये है कि माँ की तबीयत कैसी है, बहू जी को तनाव तो नहीं है। अगर ऐसा कोई तनाव है तो पहले पढ़ाई छोड़ के उसको निपटा लीजिए मामले को। अगर तनाव है कि माँ की तबीयत कैसी है तो माँ को फोन ही कर लीजिए, बहू जी तनाव में हो तो बहू जी को फोन करके बात ही कर लीजिए अच्छे तरीके से। किसी का मैसेज नहीं आ रहा है तो इतना ईगो मत रखिए, मैसेज करके पूछ ही लीजिए भाई मैसेज क्यों नहीं आया, फिर मैसेज आ जाएगा, निश्चिंत होकर फिर पढ़ाई कर लीजिए उसके बाद, क्योंकि आपकी उम्र में तनाव भी तो बहुत सारे रहते हैं ना, इतने सारे तनावों को झेलते हुए पढ़ाई करनी होती है।
तो अगर कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन है किसी वजह से कि वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, बाबूजी क्या कर रहे होंगे, तो पहले उसको निपटा लीजिए फिर पढ़ने बैठिए। तो कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेविएशन अगर है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन नहीं, उसको खत्म कीजिए। तो ठीक है, कंसंट्रेशन भी एक ऐसी चीज है जो अभ्यास से आती जाती है, शुरू में कम होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते फिर एक लेवल ऐसा आता है जहां आपको कभी कभी सच में एक घंटा डेढ़ घंटा एहसास ही नहीं होगा कितना टाइम निकल गया, कभी कभी ऐसा होने लगेगा। और जिस दिन आपको ऐसा होने लग जाए ना कि खेल वाला ध्यान जो मेडिटेशन के लेवल खेलने में आता है, विवेकानंद जी ने कहा था कि ध्यान करने का सबसे बढ़िया तरीका है खेलो, पूरी चेतना एकाग्र होती है खेलने के समय, आप पाएंगे कि एक समय के बाद पढ़ने में भी लगभग उस लेवल का कंसंट्रेशन बनने लगेगा, लेकिन टाइम लगता है, थोड़ा अभ्यास कीजिए, मेहनत कीजिए, हो जाएगा। एक अतिरिक्त तो उपाय कुछ लोग ये कहते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयां आती हैं, जड़ी बूटी हैं, चाहे तो उनका सेवन कर लीजिए और चाहे तो मेडिटेशन का अभ्यास कर लीजिए। उन सबका नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, मेरा उनमें बहुत विश्वास नहीं, ये आपकी चॉइस की बात है।